अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं हूँ नीलम मुनीर खान और आज जो हमारे साथ बहुत प्यारे से वालदैन बैठे हुए हैं, बहुत दुबरी दास्तान है इनकी भी। इनके माशाल्लाह माशाल्लाह जो कहते हैं ना, लोग दुआ करते हैं कि बेटे हों, बेटे होने चाहिए, औलाद हो, चाहे बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला नेक दे और इस तरह के दें जो माँ बाप का सहारा बने और माँ बाप का साथ दे। इनके माशाल्लाह से चार बेटे, जिनमें से तीन जो हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो तीनों ने शादी की, वो इनको छोड़ के चले गए हैं और जो एक बेटा है वो नशे में मुब्तला है। अब ये माँ बाप हमारे साथ हैं, ये देख रहे हैं आप जो जिशान हैं बैठे हुए, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, और ये इनके दादा हैं। दादा है ना जिशान? और दादा के साथ कैसे प्यार से खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जिशान इस चीज़ का अजर दे, ऐसी ही खिदमत करते रहना। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है। आप जो आपके बेटे चले गए हैं शादी करके, वो आते हैं आपसे मिलने के लिए? कभी कभी रात ही मिल के चले जाते हैं। ख्याल रखते हैं आपका? नहीं, वो क्या ख्याल रखेंगे, वो लोग बोलते हैं हम खुद मजबूर हूँ, हम कैसे तुम लोग को देखूँ। माँ का दिल तो फिर ऐसा ही है, तो मैं क्या करूँ, आता ना बस बाहर चीज करके चले जाता है। कभी कभी मैंने खाना पीना होता देता नहीं तो चली जाता, क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। तो आप यहाँ पे आप दोनों हैं और ये जो नवासा भी जो है इनका, ये इनके बड़े भाई का नवासा है तो ये इनके साथ ही होता है। तो आप यहाँ पे घर में कौन कौन रहता है आंटी? ये चार बेटी, चार बेटियाँ हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, बताया आपने, चारों बेटी यहाँ पर अभी देख सकती। हाँ, मैं वहाँ पे, मुझे वो नजर आ रहे हैं। चार बेटी है ना, और आराम माँ बाप दोनों, और निशा के जो बच्चा है ना छोटा जी। तो कौन सी बेटी आपकी सबसे ज्यादा खिदमत करती है तीनों चारों में? चारों करती हैं। ये माशाल्लाह की खिदमत है ना, पेशाब पखाना खिदमत, उठाना बैठाना खिलाना सब बेटी लोग कर रहे हैं। मैं तो बुढ़िया हो गया, मैं उठा नहीं सकता, कमजोर है मैं भी, क्या करूँ। बिल्कुल, मुझे वो कह यहाँ से नजर आ रही है, अल्लाह ताला आपको इस चीज का अजर दे। बहुत बहुत अच्छी बात है, माँ बाप की खिदमत में किस बहुत कम लोगों को नसीब होती है माँ बाप की खिदमत करना, तो अगर इन्हें नसीब हुई है तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। और आप मुझे बताएं कि आप लोग का गुजारा कैसे होता है, अगर बेटियाँ घर भर में होती हैं, घर में होती हैं पूरा दिन और खिदमत करती रहती हैं, तो खाना पीना महीने का राशन बताएं। चार बेटी है ना, हाँ 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 हाँ, कपड़े में जाती, वो 15 दिन में 7,000 रुपया मिलता, कितना 7,000, उससे मैंने गुजारा कर दे, तू क्या करूँ, बस तभी 15 दिन में 7,000, महीने में कितना 14,000 है ना, यही हमारी आमदनी, यही ना बाहर से आमदनी आती है ना बाहर से घर से बाहर निकलती, यही बस। तो आपके साथ रहता वाला बेटा? वो भी घर में रहता, क्या करूँ, वो बाहर निकलता ना लोग से चोरी करता। क्यों? नीशे में लगाने के लिए चोरी कर देता, कभी कभी चोरी करता, वो भी हमसे लोग आके यहाँ पर वो हमसे बढ़ना होता पैसा, जो लोग से जो चोरी करता वो पैसा हमसे बढ़ना होता, बहुत परेशान है, तो क्या करूं, बाहर निकल जाए तो हमसे बढ़ना होता था, इसलिए मैं बेटा घर में रख दिया, खाने के लिए बाहर देने के लिए पैसा कहाँ से आएगी, ये कसम खा के बोलता हूँ, अल्लाह से गवाह करके बोलता हूँ, झूठ बात नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, मर जाऊंगी चश्मे मर जाऊंगी, बस ये हमारी ईमानदारी, मैं अल्लाह को पकड़ के रही है। तो मैं देखें कि मतलब ये कह रही है कि इनका जो बेटा है वो बाहर अगर जाता है तो इनके हालात ऐसे हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर वो बाहर जाके नशे में, क्योंकि नशे की वजह से नशा उसको चाहिए होता होगा तो वो चोरियां कर लेता है, तो वो लोग भी आके इनके दरवाजे पर, इनके दरवाजे देखें, इनका हाल देखें, इनसे आके वो पैसे मांगते हैं, परेशान में गुजारा हूं, इस मोहल्ले में सुबह शाम रात दिन नमाज पढ़ के बढ़ के अल्लाह को खिताब करता हूँ, अल्लाह से मांग दो, बेशक अल्लाह से ही मांगना चाहिए, बिल्कुल सिर्फ अल्लाह से मांग दो, मैं किसी से नहीं मांगता, मदद करना अल्लाह, बेशक।
मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस इलाके में, इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आंटी, इस माँ जी, मोहल्ले का नाम क्या है, जो एरिया जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इस इलाके को क्या कहते हैं? अली अकबर शाह गोट कहते हैं। अली अकबर शाह गोट। हाँ। अली अकबर शाह गोट। अली अकबर शाह गोट सोकोटर जी हैदी। जी 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 जी। तो इस इलाके में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि नशे में मुब्तला हैं, उनका इलाज करवाएं, खुदा का वास्ता है, उन्होंने अपने माँ बाप का जीना मुश्किल कर दिया। ये इज्जतदार लोग हैं, यहाँ के बच्चों के पास कोई एजुकेशन नहीं है, इलाज के लिए यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है, गैस नहीं है, ये भी तो इंसान है। सो हम इस प्रोग्राम को सिर्फ माँ जी इसलिए करते हैं ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें, ताकि आपका जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा सकें कि आपके इन मुश्किलात में, आज के दौर में गुजारा कर रहे हैं, आप लोग के लिए सहूलियात होनी चाहिए ताकि आप भी एक आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। यकीनन आपको भी हक है उस चीज़ का। ये लीजिए माँ जी, है प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए कुछ कैश है, राशन है, और शुक्रिया शुक्रिया मेहरबान, बिल्कुल कपड़े हैं ईद के। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस इलाके में, इस मोहल्ले में, क्या कराची में नशा जो है बहुत आम हो गया है, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको देख के यकीन भी नहीं आता, वो तक नशा कर रहे हैं। तो ये कितना सस्ता नशा है और किस तरह से अवेलेबल है, इस पर तो काम होना चाहिए कि इसको टोटली बैन करना चाहिए। माँ बाप की जिंदगियां, बहनों की अपनी तबाह हो जाती हैं, ये क्या है, सवाल है बहुत बड़ा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके इस मोहल्ले में आइए, इन लोगों की मदद कीजिए, यहाँ पे बहुत प्यारे मासूम बच्चे हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले तो उनको आप दाखिला भी करवा सकते हैं अच्छे स्कूलों में, यहाँ पे एक अच्छा स्कूल हुकूमत की तरफ से भी खुल सकता है। और जो हुकूमत है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे आइए, इन लोगों के पास बैठिए, इनके मसाइल देखिए, ये कोई इतने मुश्किल बातें नहीं है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है, ये तो आम ज़िंदगी है और इसमें जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ही नहीं है इनके पास। तो इसे देखिए प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।